हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं छोरे बरगाटी से मिलने और हम पूरा वहां का व्लॉग आपको शूट करके बताने वाले हैं और बताएंगे कि बनवारी सेठ कौन है। तो गाइस, हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर। हेलो गाइस, मैं फाइनली मैंने आपको बताया था कि मैं देव भैया से मिलने जा रहा हूँ, बनवारी सेठ से। तो मैं उनका घर बताने वाला हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ बरगाट में। तो आप गाइस यहाँ से देख सकते हैं, कुछ भैया लोग भी ऊपर में हैं और देव भैया की ये जो है नैनो, और हम लोग इस बाइक से आए हैं। ये है बनवारी सेठ की बाइक, आप देख सकते हैं यहाँ पे बनवारी सेठ की बाइक है। यहाँ पे मैं बाइक चलाने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। ये देख सकते हैं बनवारी सेठ जी की बाइक है यहाँ पर, जो अधिकतर आप वीडियो में देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये है बनवारी सेठ जी की बाइक, ठीक है। ये नीचे वाला जो है उनका रूम नहीं है, ऊपर वाला है। तो मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ, वो भी ऊपर, तो आपको बताने वाला हूँ। आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताने वाला यहाँ से। तो गाइस, ये आ गए हम फाइनली ऊपर। भैया आप, आपका परिचय जानते होंगे ना? नहीं तो आप हमारे ऑडियंस को बता दीजिए ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिया, जिसके नाम से आप मुझे जानते हैं, और सब ठीक है, बाकी अंकिया अंकिया भैया मिलकर। थैंक यू भैया। और ये अंकिया भैया है जो छोरे बरगाटी में वर्क करते हैं, काम करते हैं भैया के साथ में, देव भैया के साथ में, जो बनवारी सेठ जी हैं उनके साथ में। और ये उनका ऑफिस है, ऑफिस में विजिट करने के लिए आएगा इस। लेकिन भैया अभी जो है घर पर नहीं है, कहीं काम के वजह से छिंदवाड़ा गए बोलते हैं, इसके वजह से हम यहाँ से रिटर्न जाना पड़ रहा है। बहुत मतलब परेशानी है गाइस, अब इतने दूर से आए थे लेकिन हम मिल नहीं पाए। नहीं यार, मिल गए यार, सॉरी यार, मिल चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको तो बस ऐसे ही बता रहा था मौज मस्ती के लिए। बात समझिए, जिंदगी, लोग बोलते हैं कि जिंदगी किसी के हिसाब से पैसा भी है, पैसा जिंदगी खुशियां है जिंदगी, लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी वो चीज है जिसको समझ पाना बहुत कठिन काम है। आप बताए जिंदगी क्या है, अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करना दोस्तों। अब जिंदगी ये है कि वही जी ली है तो उसे जिंदगी कहते हैं। अभी जैसे मान लीजिए जिंदगी वही है जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप उसको करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, परेशानी आ रही, लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद आप सफल हो गए, सही मायने वो जिंदगी है जी। राइट, आपने मतलब अच्छा बताया। अगर मान लो आपके अंदर जी रहे हैं, ठीक है जी, अब अंदर इच्छा ही है मेरे को एक्टर बनना है, बिल्कुल, और काम कर रहा है कौन सा, कबाड़ी बेचने वाला मान लो। अच्छा, अब उसको एक्टर बनना था, अब बेचारा कबाड़ी काम कर रहा है, या फिर मान लो पंचर बना रहा है वो, या कुछ कर रहा है, उसकी जिंदगी जिंदगी थोड़ी ना रही फिर, वो तो इधर दबा के जी रहे ना, वो तो अपने वो जिंदगी नहीं है, वो गधा मजदूरी है जी, बिल्कुल, वो लाइफ जी नहीं रहा है भैया, वो लाइफ को झेल रहा है। नहीं राइट, ये तो बात है, वो सैक्रिफाइस करने लग गया अपने अपने आप से, सैक्रिफाइस नहीं करना, समझौता करने लगे, समझौता नहीं करना चाहिए, वो जी नहीं रहा भैया, वो तो काट रहा है दिन, समझ लेना। और जिंदगी वही है जो काटी नहीं जी जाए, तो आप मेहनत करो अपने मुकाम तक पहुंचोगे। और रही बात हमारी, तो हम तो ऐसा है कि लग गए हैं 24 घंटा हमारा इसी में, देखते क्या होगा, आज नहीं कल मिलेगा, आज हमारे पास में ये है, कल गोल्ड भी आएगा, गोल्ड भी आएगा, डायमंड बटन भी आता है गाइस, मैं आपको डायमंड गोल्ड डायमंड सब आते हैं। और हमारा मेरा जो मकसद है बता दूं मैं आपको, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देव कुमार पहले ही बोलता था, आज ही बोलता है कि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे क्षेत्र में जाने, मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे कलाकारों को जाने, हमको जाने, हमारे शहर को जाने, हमारे मध्य प्रदेश को जाने, और इसी सोच के मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बस आपने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस मत करें और आगे बढ़ते रहिए आगे, बस यही संदेश है भैया का। और थैंक यू भैया, आपसे चलिए अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा भैया, मिलते हैं फिर कभी और, बिल्कुल बिल्कुल, मिलेंगे, ठीक है, बात करेंगे, नमस्ते, चलिए नमस्कार।